हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ ज़िले से निकली एक अच्छी खबर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पत्रिका नाम के एक अखबार में ये खबर आई है। खबर क्या है ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है PSL की संपत्ति बेचकर राशि लौटाने का आदेश, फिर भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के अखबार से निकलकर आ रही है ये खबर। PSL चिटफंड कंपनी के ज़िले के एजेंट और निवेशकों ने जमा की गई रकम को कंपनी के संपत्तियों को बेचकर वापस दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। PSL के एजेंटों ने बताया कि ज़िले में 50,000 से अधिक निवेशकों का करोड़ों रुपया जमा है। निवेशकों के रुपए दिलाने के दबाव से एजेंटों में तनाव है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन करते हुए निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए एजेंटों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पुलिस अध्यक्ष को सौंपा है, जिसमें जिला अध्यक्ष सतीश दास, मणिकपुरी JP सिंह, TD मणिक, बलराम साहू, प्रेम लाल साहू, JP विश्वकर्मा, मन राखन साहू, रामलाल निशार और JR साहू के साथ सैकड़ों निवेशक शामिल रहे। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के ज़िले बेमेतरा के एक अखबार पत्रिका नाम के अखबार की एक अच्छी खबर। ऐसी खबरें अगर हर ज़िले से निकल कर आएँ तो दोस्तों पैसा जल्दी मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी मिले तो हिंदुस्तान के हर ज़िले से, हर ज़िले के एजेंट और निवेशक इसी तरीके से अपना ज्ञापन पुलिस अध्यक्ष को जाकर सौंपें तो ये जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सकता है। और एक ख़ास बात ये कि आप लोग किसी भी संगठन के झांसे में ना आएं, क्योंकि ये संगठन वाले अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह इसे लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी इसे सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन का भी बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वो वीडियो आप तक पहुंचे जिसके साथ आप तक पहुंचे। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।